केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 1,69,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने जब इसका कोर्ट में उन्होंने विवरण दिया, जब उन्होंने आरटीआई का जवाब दिया, तो मात्र 57,000 इंजेक्शन ही उन्होंने बताए कि हमें मिले हैं। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि बाकी 1,12,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां गए? आम आदमी पार्टी के लोग, आपके गुर्गे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे, ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन उन्हें दी है, उस ऑक्सीजन का वो हिसाब दे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, चाहे वो ऑर्डिनरी बेड्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर बेड्स हो, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, उनके रेट्स क्यों नहीं तय किए? तो इसलिए मेरा ये आरोप है कि हॉस्पिटल से आपको 25-30% आपके नेताओं को कमीशन मिल रहा था। तो अरविंद केजरीवाल बताए कि वो तुम्हारी 2000 बाइक एम्बुलेंस कहां चली गई, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। टेस्टिंग के आंकड़े और टेस्टिंग किट खरीदने में उल्ट फेर में ना तो गौर की ना लगाम कसी। अगर बतौर हेड उस पर गौर व फिक्र करते, सिर्फ बयानों से ऊपर उठ के प्रैक्टिकली चेक करते, तो लगाम कसते। इसी से शक होता है कि ये मिली भुगत है।